हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारादीप फॉस्फेटस लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड। इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे कई सारे इस कंपनी के रिलेटेड आप में से दोस्तों का सवाल आ रहे थे। इस कंपनी के जिस तरीके की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है या जिस तरीके से शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिटर्न दे चुकी है और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ओवरऑल आज के डेट में भी देखा जाए तो 2.43% की गिरावट के साथ 50 रुपीज़ 10 पैसा इसका मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली है। ओवरऑल इस कंपनी की 5 डेज की मूव की बात करें तो नेगेटिव मूव ही देखने को मिल रही है। 1 मंथ में थोड़ी सी एक पॉजिटिव मूव बनती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी के द्वारा यहाँ पर टॉप बॉटम बनती हुई देखी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग इस लेवल को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर जो लेवल बनी है हुई है उस लेवल को ब्रेक करती है तो कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल जाएंगे। 47 के आसपास कंपनी की शेयर प्राइस जाती है तो वहाँ से आपको एग्जिट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। यदि फिर से टेक्निकल्स अच्छे साउंड कर दिए तो वहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो 2 क्वार्टर इस कंपनी के अच्छे आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा देखने को मिलेगी और रेवेन्यू में। इसके वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। पारादीप फॉस्फेटस लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो कंपनी के जिस तरीके से यहाँ पर कारोबार करते हुए देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 2 अगस्त मीन्स जिस दिन इस कंपनी के रिजल्ट आने वाली थी उसी दिन इस कंपनी ने फ्रेश 52 वीक हाई बनाते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद से लगातार कंटिन्यूसली बेस पर कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली। वैसे यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो 24 जून को इस कंपनी ने 37 रुपीज़ की लो से 55 रुपीज़ तक हाई बनाया था। वहाँ तक काफ़ी अच्छे लो से अपने रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी थी, यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिला है इन्वेस्टर के द्वारा। यदि इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो कंपनी की जो आज के डेट में कारोबार हुई है उसकी बात करें तो यहाँ पर 72 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ट्रेड हुए, जिनमें से 33 लाख इक्विटी ऑफ शेयर डिलीवरी में उठाया गया। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 47% की डिलीवरी परसेंटेज, जो कि इसके एवरेज डिलीवरी परसेंटेज से ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के जो बेसिक इंडिकेटर आप सभी को पहले भी बताया बेसिक इंडिकेटर के तौर पर कि यदि इस कंपनी के द्वारा 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके और जिस दिन ब्रेक करती है उसी दिन क्लोजिंग और नेक्स्ट डे यहाँ पे उसी के नीचे आपको कारोबार करते हुए देखने को मिलती है, उस दिन यहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस से निकलने की कोशिश आपको कर देनी चाहिए। वैसे देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या यहाँ पर जो RSI है वो 60 के नीचे जाती है या नहीं। यदि 60 के नीचे RSI चली जाती है तो वहाँ से ऑब्वियस बात है कि आपको डाउन ट्रेंड में जा चुकी है कंपनी की शेयर प्राइस और निकलना जरूरी है। नहीं तो यदि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार से स्टॉप लॉस यदि आपने पहले लगाया था तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस को हिट होते हुए देखने को मिल चुके होंगे। यदि आने वाले समय में इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो जिस तरीके से बाइंग हो रही थी उसी तरीके से यहाँ पे किसी दिन देखा जाए तो 3 दिन की जो कारोबार हुई है उसमें 1 दिन सिर्फ और सिर्फ बाइंग होते हुए देखने को मिला है, 2 दिन रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के रिलेटेड बात करें तो कंपनी की जो सपोर्ट निकल कर आ रही है वो 47 रुपीज़ का यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है। यदि 47 रुपीज़ का सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाती है और नीचे कारोबार करती है तो वहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हुए थे और आपकी जो टारगेट बेस है 25% की रही होगी तो आपने तो एग्जिट कर लिया होगा, नहीं तो बिना टारगेट का आपने इन्वेस्टमेंट किया था बिना स्टॉप लॉस के इन्वेस्टमेंट किए हुए थे तो ये आपकी गलती है। और आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को पहले से फिक्स करें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से, और आने वाले समय में इस गलती को फिर से आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं। वैसे आज की मार्केट के माहौल की बात करें तो मार्केट जिस तरीके से कारोबार की है आज गैप अप ओपनिंग होते हुए शुरुआती आवर में देखने को मिला है, लेकिन गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाई है। 17,382 पर क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो जिगजैग मोमेंटम के साथ पूरे दिन यहाँ पर कारोबार करते हुए देखने को मिले, एक चौपी रैली यहाँ पे आज के डेट में देखने को मिला है। ओवरऑल इस निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो 17,400 के ऊपर ब्रेक करनी चाहिए थी और सस्टेन करना चाहिए था वो अभी तक होते हुए नहीं देखने को मिले। 17,400 ब्रेक कर रही है लेकिन फिर से नीचे आते हुए देखने को मिल जा रहा है। और निफ्टी की बात करें तो 17,400 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती है और उसके ऊपर कंसोलिडेशन या तेज़ी नहीं देखने को मिलता है तब तक एक बड़ी मूव के और निफ्टी जाते हुए आपको नहीं देखने को मिल सकती है। और निचले लेवल पर सपोर्ट की बात करें तो 17,000 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के रिलेटेड आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 17,000 जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब यहाँ पर निफ्टी की सपोर्ट बन चुकी है। आने वाले समय में निफ्टी की मूव जो यहाँ पर संडे तक चाइना की जो मिलिट्री यहाँ पर प्रैक्टिस है ताइवान के पास उसको यहाँ पर देखा जाए तो वो यदि वो कंटिन्यू नहीं करती है वहाँ से स्टॉप कर दिया जाता है तो यहाँ पर फिर से मार्केट मंडे के दिन से
एक अच्छी मूव और एक अच्छे जो कि डिसीजन है उसके तरफ से चलते हुए देखने को मिलेंगे। वैसे आरबीआई की आज की डेट में मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम निकलने वाले हैं, उसका किस तरीके का आउटकम निकलता है और मार्केट के रिएक्शन किस तरीके करता है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में कल के डेट में देखने वाली बात होगी। यदि आप रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए यहीं तक वीडियो रहा, और जो नए दोस्त जुड़े हैं उनके लिए कुछ बेसिक बात करें पारादीप फॉस्फेटस लिमिटेड की, तो यहाँ पर मार्केट कैप कंपनी की 4072 करोड़ की आपको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप के अनुसार से कंपनी के रिलेटेड बात करें प्राइस रनिंग 10.2 की प्राइस रनिंग पर ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 27 रुपीज़ 30 पैसा यहाँ पर देखी जा रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इन दोनों पैरामीटर्स पर कंपनी ओके ओके साउंड कर रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी से कंपनी का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले समय में यदि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाती है तो कंपनी के द्वारा स्प्लिट की अनाउंसमेंट की जा सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी और चांस बनते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडस्ट्री के प्राइस रनिंग की बात करें तो इसकी आपको 9.6 है, और कंपनी के प्राइस रनिंग की बात करें तो 10। ओवरऑल इंडस्ट्री और कंपनी की प्राइस रनिंग एक ही रेंज में देखी जा रही है। कंपनी ने जो हाल में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिपोर्ट किया उसमें अच्छे परफॉर्मेंस करके कंपनी ने दिखाई है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें क्वार्टर फोर के मुकाबले कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। 1000 करोड़ से बढ़कर कंपनी का 2435 करोड़ का कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिली। सेल्स की बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें इसमें भी इंप्रूवमेंट देखी गई है, 5% से बढ़कर 6% देखने को मिला है। और पिछले क्वार्टर फोर के मुकाबले प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है, 36 से बढ़कर 63 हो चुके हैं। लेकिन पिछले ईयर इसी तरीके के क्वार्टर वन में 60 करोड़ की प्रॉफिट थी, उसमें ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। वैसे आने वाले समय में कंपनी के रिलेटेड दो क्वार्टर जो यहाँ पे आने वाले समय में अगस्त और दिसंबर की है, तो यहाँ पे सॉरी जो आने वाले समय में सितंबर के एंड के बाद जो क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने वाले हैं उसमें कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस समय और जिस तरीके से यहाँ पर दो क्वार्टर आपको समय है उन समय में काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम होती हुई देखने को मिलेगा, उसका इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे देखने को मिल सकती है। वैसे आने वाले समय में कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआई की होल्डिंग और डीआई की होल्डिंग जो क्वार्टरली अपडेट की जाती है उसमें क्या कुछ बदलाव होती है इसको भी देखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे कुछ भी को बदलाव नहीं होती है और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और डीआई की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलती है, एफआई की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलता है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स रहेगी कि इन दोनों के द्वारा भी आपको विश्वास है कि आने वाले समय में कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छी रहेगी, जिसके कारण से कंपनी के शेयर प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुकी थी, तो स्मॉल कैप कंपनी है तो इस तरीके की कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म में इतने अच्छे रिटर्न देती है तो वहाँ पर गिरावट और कंसोलिडेशन होना जरूरी रहता है, और वही होते हुए भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के गिरावट और इस तरीके की कंपनी में स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट पे और प्रॉफिट बुकिंग पे आपकी ज़्यादा ध्यान होनी चाहिए। सो आपका क्या विचार है इस कंपनी के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।